नमस्कार, दी ललन टॉप का वर्ल्ड कप स्पेशल रनबाज। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 18 रनों से हरा दिया। 240 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के 6 विकेट 92 के स्कोर पर गिर चुके थे। फिर बैटिंग करने उतरे रविंद्र जाडेजा, उन्होंने धोनी के साथ मिलकर 7वें विकेट के लिए 116 रन जोड़े। उन्होंने 59 गेंदों पर 77 रनों की बेहतरीन पारी खेली। जाडेजा की पारी के दौरान ऐसा लग रहा था कि भारत मैच निकाल ले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जाडेजा के आउट होते ही पारी बिखर गई और भारतीय टीम लक्ष्य से 18 रन पीछे रह गई। अगर टीम इंडिया ये मैच जीतती तो रविंद्र जाडेजा मैन ऑफ द मैच के सबसे तगड़े दावेदार होते। अब रविंद्र जाडेजा ने ट्वीट कर अपने दिल की बात जाहिर की है। वो ट्वीट में लिखते हैं कि खेल ने मुझे गिरकर हर बार संभलना और कभी हार न मानना सिखाया है। सभी फैंस जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, उन्हें शुक्रिया कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सपोर्ट के लिए शुक्रिया। प्रेरित करते रहिए और मैं अपनी आखिरी सांस तक अपना बेस्ट देता रहूंगा। सबको प्यार। भारत ने बुधवार के मुकाबले में अपने 6 विकेट महज 92 रनों पर ही खो दिए थे। इसी के साथ ही सबका दिल बैठ गया था। लोगों को लगा टीम अब हार की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जाडेजा और धोनी ने 7वें विकेट के लिए 116 रन जोड़कर एक बार फिर से उम्मीद जगा दी थी। ऐसा लगा कि अगर कुछ देर तक ये दोनों बैट्समैन टिक गए तो भारत को फाइनल में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोनों के आउट होते ही पूरी टीम बिखर गई और हम हार गए। खबर यहीं तक। मेरा नाम नीरज है। इस वीडियो को शूट करने के दौरान कैमरे के पीछे मेरे साथ में राशिद थे। एक जरूरी अपील जो इस अहम मौके पर हम आपसे करना चाहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि वर्ल्ड कप स्पेशल हमारी रनबाज आपको पसंद आई होगी। आपको हमने इस खेल का हर रंग दिखाने की कोशिश की। आपको हम फेसबुक, यूट्यूब पर लगातार और अपनी वेबसाइट के जरिए देखते हैं। एक और ज़रूरी प्लेटफॉर्म है, वो वन टच सॉल्यूशन है। सारी वीडियोस, सारी स्टोरीज वहाँ आपको मिल जाती हैं। वो है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। अपने मोबाइल पर प्लीज़ उसे डाउनलोड कर लें। शुक्रिया।